नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सब आज के इस लेक्चर में मैं आपको समझाने वाला हूं कि एविडेंस एक्ट को कैसे पढ़ा जाए कि एक बार में ही वो याद हो जाए देखिए जब कभी आप कोई लॉ पढ़ते हैं कोई केस पढ़ते हैं तो उसे एक बार में याद करने की टेक्निक मैंने एक और लेक्चर में बता रखी है कि, कि किस तरह से पढ़ा जाए कि बड़े आंसर्स भी एक बार में याद हो जाएं। मेमोरी पावर बढ़ाने की टेक्निक पर पूरा आधे घंटे का एक लेक्चर पहले ही अपलोडेड है आज हम स्पेसिफिक बात करेंगे कि, कि किसी लॉ को स्पेशली इंडियन एविडेंस एक्ट को कैसे पढ़ें कि वो एक ही बार में आप याद कर लें मेमोराइज कर लें तो किसी भी चीज को याद करने के लिए अगर आप एक ही बार में याद करना चाहते हैं तो कुछ टेक्निक्स

तो वैसे ही इनको याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है लेकिन इसको आसान बना सकते हैं अगर आप थोड़ी सी ट्रिक अपना लें तो जैसे एग्जाम्पल के लिए एविडेंस कहां हम रखेंगे तो ये रखेंगे हम कोर्ट में तो अगर आप याद कर लें कि कोर्ट पहली परिभाषा है कोर्ट की शब्द की परिभाषा न्यायालय शब्द की परिभाषा सबसे पहले दी गई है फिर अगर आपने एविडेंस एक्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कोर्ट में हम फैक्ट्स रखते हैं तथ्य फैक्ट्स क्या है तो ये मेंटल और फिजिकल यानी साइकोलॉजिकल हो सकता है फिजिकल हो सकता है भौतिक और मानसिक हो सकता है ये आपने पढ़ा होगा मैं अभी डेफिनेशन में नहीं जा रहा लेकिन आपको ये बता दूं जो कुछ भी हम हमारे इंद्रियों से बोधगम में करते हैं वॉट एवर यू कैन परस्यूड बाई योर सेंसेस उन्हें कहा जाता है फैक्ट्स और कोर्ट में हम फैक्ट्स ही रखते हैं तथ्य ही रखते हैं तो दूसरी परिभाषा तथ्य की परिभाषा है अच्छा जब आप कोर्ट में तथ्य रखते हैं तो कौन से तथ्य रख सकते हैं सेक्शन फाइव में जाएंगे तो लिखा गया है कि रेलेवेंट और फैक्ट इन इशू तीसरी परिभाषा रेलेवेंट फैक्ट की परिभाषा है जिसे हिंदी में कहा जाता है सुसंगत तथ्य और चौथी परिभाषा है फैक्ट इन इशू जिसे कहा जाता है विवादक तथ्य तो जब आप फैक्ट कोर्ट में रखते हैं तो आपको पता होगा कि बेस्ट एविडेंस रूल ये कहता है कि हर दशा में सर्वोत्तम साक्ष्य रखा जाना चाहिए बेस्ट एविडेंस शुड बी प्रोड्यूस इन ऑल द केसेस तो बेस्ट एविडेंस क्या है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट तो पांचवी परिभाषा क्या है वो है डॉक्यूमेंट शब्द की परिभाषा आसान है समझना मैं लिंक करके बताता जा रहा हूं आपको कोर्ट कोर्ट में रखेंगे फैक्ट फैक्ट होगा रिलेवेंट रिलेवेंट या फैक्ट इन इशू न्यायालय तथ्य सुसंगत तथ्य विवाद्य तथ्य कैसे रखेंगे डॉक्यूमेंट पांचवी परिभाषा ये जो फैक्ट ये अगर कोर्ट इसे एडमिट कर, कर ले तो यही बन जाता है सिक्स दो डेफिनेशन है ये एविडेंस शब्द की डेफिनेशन है ये दो तरह के हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्री हो सकते हैं ये ओरल हो सकते हैं तो जब यानी एविडेंस कोर्ट में रख दिया गया तो दो बातें हो सकती है या तो साबित होगा या

तो अगर आप इस तरह से लिंक करके पढ़ेंगे तो कभी भी आपको पूछ लिया जाए कि कौन सी परिभाषा कहां है आपको पूछ लिया जाएगा कि एविडेंस की परिभाषा कहां दी गई है तो आप बता पाएंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन थ्री के छठे नंबर की परिभाषा एविडेंस शब्द की परिभाषा है ये आपको पूछा जाए कोर्ट कहां पर डिफाइंड है तो आप बता पाएंगे पहली परिभाषा कोर्ट की परिभाषा है अगर आपको पूछा जाए फैक्ट कहां डिफाइंड है तो तो सेकंड परिभाषा परिभाषा कोर्ट की की है 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 अगर आपको पूछा जाए डॉक्यूमेंट कहां डिफाइंड पांचवें नंबर डेफिनेशन जो है, वो डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज शब्द की परिभाषा है अगर आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो पूरा का पूरा लॉ पूरा एक्ट आपके फिंगर टिप्स पर यानी आपको मुंह जबानी याद हो सकती है जैसे आपको चैप्टर टू याद करना है रिलिवेंसी के बारे में सुसंगतता के बारे में तो उसको सेगमेंटाइज कर लीजिए कि रेलेवेंसी सेक्शन फाइव से फिफ्टी फाइव तक में है अब आप इसको टुकड़ों में बांटिए पांच से सोलह में जनरल रेलेवेंसी यानी साधारण सुसंगतता है याद कर लीजिए तो आप पांच से सोलह की जो बातें हैं सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन इनको अलग अलग आप याद कर सकते हैं तो पांच से सोलह में फाइव टू सिक्सटीन क्या है जनरल रिलेवेंसी सेवेंटीन से ट्वेंटी थ्री तक क्या मिलेगा आपको एडमिशन स्वीकृति ट्वेंटी फोर से थर्टी में क्या मिलेगा आपको यहां मिलेगा कन्फेशन यानी कि संस्वीकृति फिर सेक्शन थर्टी टू थर्टी थ्री में क्या मिलेगा आपको उन लोगों के स्टेटमेंट हू कैन नॉट बी कॉल अपॉन एज अ विटनेस जिनको साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जा सकता फिर 34 से 38 में जाइए एक सेगमेंट बना लीजिए यहां क्या मिलेगा यहां मिलेगा, मिलेगा स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में जो बातें कही गई हैं वो यहां रिलेवेंट होते हैं एक सेक्शन 39 अलग कर दीजिए यहां क्या मिलेगा सेक्शन 39 में किसी सीरीज का अगर कोई पार्ट है कोई ट्रांजैक्शन का पार्ट है कोई बड़े डॉक्यूमेंट का कोई भाग है जिसको आपको कोर्ट में साबित करना है तो कितना साबित किया जाएगा मतलब 24 घंटे की एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है तो उसमें पांच मिनट जो है ऑफेंस रिलेटेड बातें हैं क्या उतना ही कोर्ट में दिया जा सकता है इस बारे में बात कर रहा है सेक्शन बहुत बहुत सारा डॉक्यूमेंट बड़ा भाग है किसी किसी प्रूफ का किसी फैक्ट का फैक्ट उसमें से कितनी बात रिलेवेंट होगी कितनी बात कोर्ट तो और फिफ्टी टू से लेकर तो जब आप सेगमेंटाइज कर लेते हैं चीजों को तो आपको याद करना आसान होता है फिर करना क्या है एक एक सेगमेंट को लीजिए और उसको धीरे धीरे ऐसा होते होते पूरा का पूरा लॉ आपकी पकड़ में होगा कैसे याद करना है यह टेक्निक मैंने आपको बताई अब इसका इंप्लीमेंटेशन यानी कि इसको अपने जीवन में उतारना यह आपका काम है एक बार कोशिश करके देखिए ऐसी स्टोरी फ्रेम करिए इस तरह से चीजों को आपस में जोड़िए लिंक करके याद करने की कोशिश कीजिए और फिर मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके लिए कैसे मददगार हो रहा है कैसे आप इसका फायदा उठा पा रहे हैं आज के लेक्चर में यहीं रुकते हैं फिर जुड़ेंगे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के समझते रहेंगे देश के कठिन कानून को आसान और सरल भाषा में जुड़े रहना आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से नमस्कार